हम सब लोगों को इल्ला माशाल्लाह आजकल फेमस होने का शौक लग गया। मशहूर होना चाहते हैं। हमारी नौजवान नस्ल का तो ये हाल है इल्ला माशाल्लाह कि वो कोई भी तरीका इख्तियार करे उन्हें फेमस होना। बाज़ोकात बाज़ लोगों को देखकर उनका लिबास उनका हुलिया इतना खूबसूरत और चेहरा इतना निराला, लेकिन वो अपनी शोहरत के कि वो जो तो है इस्लामी मजाला ये है कि इंसान की करामत में इसकी इंसान भी फजीलत करता है उस पर भी वो चीज़ पूरी नहीं होता है। किसी भी तरीके से लोग मशहूर होना चाहते हैं, वो मुलाकातें करते हैं, वो लाइव होते हैं, वो ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसकी शोहरत ज़्यादा हो, जरा मेरी फोटो आ जाए, जरा मेरी सेल्फी और तलब। वो तलब इंसानी जरूरत भी है, एक तलब होती है मुझसे प्यार किया जाए, मैं चाहता हूँ। ये तो इंसान घर की चार दीवारी के अंदर भी चाहता है और जमाने में भी चाहता है कि मुझसे मोहब्बत की जाए तो की जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं। शोहरत भी हो जाएगी और मोहब्बत वाली हो जाएगी और वकार वाली हो जाएगी। अल्लाह ने तरीका बताया फरमाया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। आप प्यारे हो जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन अगर आप ये चाहें कि मैं अल्लाह का नाफरमान रहूं और लोग मेरे फरमा बरदार रहें, ये कैसे हो सकता है? अपने और अपने पास दोस्तों की तरबियत के लिए बात अर्ज करता हूँ। फरमाने लगे, मुझे लगता है आज मुझसे मेरे रब की अल्लाह फरमाती है, इसलिए कि हमेशा मेरा मुझे बरदार है। आज उसने जिद की है तो उसके पीछे कोई हिम्मत कार फरमा बड़े आला किस्म। हम कहते हैं याद नहीं कभी कभी वो सारी जिंदगी की तकलीफ तो कभी किसी को नहीं दी, मैं तो बड़ा ही अच्छा हूँ, मुझे पता नहीं किस में चले। आप अपने हक में दलाइल देने की बजाय ज्यादा बेहतर है कि अपने रब की बारगाह में उसके हुजूर हाजिरी दें। आप अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अपने आप को झुकाएं और देखें कि कहां आपसे गलती रह गई अल्लाह की नाफरमानी। जो हम इस तरफ चले जाते हैं ना कि मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई, आपकी तरबियत ठीक है, आपने रिज़्क हलाल कमाया वो ठीक है, लेकिन किसी जगह आपने रब की नाफरमानी की जिसका नतीजा इस सूरत में सामने आया। मैं कह चुका हूँ सब हजारों को बहरहाल इस पर तवज्जो है।